नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीएन साकरे एंड कंपनी चैनल में। मेरा नाम है चंद्रशेखर नंद कुमार साकरे। मैं नासिक सिटी महाराष्ट्र में रहता हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन है बीकॉम। मैं अकाउंटेंट हूँ। गेले 20 साल से मैं अकाउंट फील्ड में ही काम कर रहा हूँ। आज हम परचेज जीएसटी की एंट्री की प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैंने इसके पहले के वीडियो में परचेज जीएसटी की थ्योरी समझाने का प्रयत्न किया है। आज हमें परचेज जीएसटी की एंट्री जो है उसकी प्रैक्टिस करनी है। देखिए, यहाँ पे मैंने अपना टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में श्रीराम कंपनी ओपन की है। उसमें गेटवे ऑफ टैली में हम आने के बाद उसमें ट्रांजैक्शन में यहाँ पे वाउचर पे एंटर करने के बाद हमारा पेमेंट वाउचर ओपन हो गया है। देखिए, यहाँ पे हमें परचेस वाउचर में एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे राइट साइड में हम देखिए फंक्शन बार में F9 परचेस पर हमें क्लिक करना पड़ेगा या एंटर करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद देखिए, अभी हमारा यहाँ पे परचेस वाउचर ओपन हो गया है। अभी इस परचेस वाउचर में हमें सप्लायर का इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट, पार्टी अकाउंट नेम यानी सप्लायर अकाउंट नेम, परचेस लेजर, उसके नीचे नेम ऑफ एटम और नेम ऑफ एटम की क्वांटिटी, रेट, ऐसे जो भी इंफॉर्मेशन सप्लायर ने हमें बिल में है, हमारे बिल में जो बिल हमें इश्यू हुआ है सप्लायर से, वो सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें भरनी है। देखिए हमने क्या किया है, हमने एक पीडीएफ फाइल बनाई है। हमारा हमारे साल भर में हमारे सप्लायर ने हमें जितने भी जीएसटी के बिल इश्यू किए थे, वो बिल में से जितनी जानकारी हमें चाहिए हमें एंट्री करने के लिए, वो जानकारी हमने इस पीडीएफ फाइल में सेव की है। और एक एक साल में हमें जितने बिल इश्यू हुए उसकी पीडीएफ फाइल यहाँ पे हमने बनाई है। अभी इस पीडीएफ फाइल के माध्यम से हमें प्रैक्टिस करनी है। ये जो पीडीएफ फाइल है, आपको भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिलेगी। उसको आप डाउनलोड करके आपके टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में, अगर आपका टैली प्राइम सॉफ्टवेयर एजुकेशन मोड में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी आप प्रैक्टिस कर सकते। आपको भी प्रैक्टिस करनी है और हमें भी प्रैक्टिस, मुझे भी प्रैक्टिस करनी है। तो शुरुआत में मैं बता देता हूँ, हमें जितने भी बिल इश्यू हुए हैं उसमें से देखिए, हमें ये जो गो एक पार्टी का नाम जो स्टार्टिंग में हमें 1 जून को एक बिल इश्यू हुआ था, उसका इनवॉइस नंबर भी यहाँ पे है और पार्टी अकाउंट नेम था गोविंद एंड सन्स, उसका एड्रेस था 1702 रविवार पेठ नासिक, स्टेट का नाम भी यहाँ पे है महाराष्ट्र, यानी हम जिस स्टेट में रहते हैं वही स्टेट से हमने माल परचेस किया है। सप्लायर भी हमारे स्टेट का ही है, उसका GSTN नंबर भी है और हमें सप्लायर से 2 आइटम, स्टॉक आइटम हमें सप्लाई हुए, एक शुगर T20 एक TRG, उसका HSN कोड भी मिले हैं, उसके GST रेट भी यहाँ पे है, क्वांटिटी रेट अमाउंट ऐसे टोटल टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे है 89,408 रुपीज़ और 60 पैसे। उसके ऊपर SGST और CGST यानी GST में स्टेट का टैक्स और सेंट्रल का टैक्स यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, यहाँ पे लगाया है। और ये जो बिल राउंड ऑफ करने के लिए -26 पैसे माइनस करके टोटल इनवॉइस वैल्यू 1,02,109 रुपीज़ का बिल हमें गोविंद एंड सन्स कंपनी से इश्यू हुआ है क्रेडिट पे। अभी हमें ये बिल की एंट्री हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करनी है। तो सबसे हम पहले क्या करते हैं, हम हमारा टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। चलो, हम इस परचेस वाउचर में आने के बाद
देखिए सबसे पहले हमें हमारे फंक्शन बार में जो F2 है यानी डेट का, उसे हम प्रेस करने के बाद हमारी वाउचर डेट हमें टैली पूछ रहा है। हमारा बिल 1 जून 2020 को हमें इश्यू हुआ था, उसे टाइप करके एंटर करने के बाद अभी हमारा परचेस वाउचर 1 जून का हो गया है। टैली अभी हमें पूछ रहा है 1 जून को जो आपको परचेस इश्यू हुआ था, तो सप्लाई किया था आपको जो माल, उसकी एंट्री आपको यहाँ रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हमें सप्लायर इनवॉइस नंबर बताओ। तो हमें फिर से हमारे पीडीएफ फाइल में देखना है, हमारा इनवॉइस नंबर है 3870। 3870 को हम हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में टाइप करना है। 3870 इनवॉइस नंबर टाइप करने के बाद हम एंटर करेंगे तो और एक डेट यहाँ पे आए, टैली खुद लेगा 1 जून 2020। देखिए अगर 1 जून 2020 से पहले अगर सप्लायर हमें बिल इशू करता और जो बिल के ऊपर उसकी डेट रही थी तो वो डेट को हम यहाँ टाइप करते, पर हमें जो बिल इशू हुआ है वो 1 जून को ही हुआ है, तो यहाँ पे हमने 1 जून ही वैसे ही हमने उसमें कोई बदल ना करते हुए वैसे ही रखा है। अभी फिर से एक बार समझा देता हूँ, ये जो डेट कॉलम क्यों आता है, अगर आपकी बड़ी कंपनी है और बड़ी कंपनी को महीने भर में बहुत सारे बिल सप्लायर से इशू होते हैं, अभी कोई बिल बाद में मिलते हैं, कोई बिल टाइम पे मिलते हैं। अब देखिए कोई सप्लायर से बिल अगर बाद में मिलते हैं पर प्रत्यक्ष जो इनवॉइस की डेट रहती है उसको हमें यहाँ टाइप करना पड़ता है, और जिस दिन हम बिल की एंट्री हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में लेते उस डेट को करंट डेट बोलते हैं, उसको हम F2 के माध्यम से रिकॉर्ड करते हैं। पर अकाउंट करते समय हम ज़्यादा ये न करते हुए डेट का इशू ज़्यादा बड़ी डेट की जो पीरियड रहता है वो पीरियड वही महीने का रह गया तो हमें GST में प्रॉब्लम ना आने के लिए हम वही डेट को रिकॉर्ड करेंगे, यानी 1 जून को ही हम रिकॉर्ड करेंगे, यानी जिस महीने हमें सप्लायर से बिल जिस डेट को इशू हुआ वही डेट हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, तो हमारे लिए वो अच्छा रहता है, तो वही डेट हम रिकॉर्ड करेंगे। चलो यहाँ पे अभी टैली हमें पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम। देखिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में हमें हमारा जो पार्टी है, हमारे पार्टी का नाम क्या है पहले देख लेते हैं। हमारे पार्टी का नाम है गोविंद एंड सन, उसे मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया, आप भी कर सकते हैं कॉपी सिलेक्ट करके। अभी मैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आके देख रहा हूँ हमारे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में गोविंद एंड सन एक कंपनी हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पार्टी अकाउंट नेम पे गोविंद का जी प्रेस करने के बाद GOV तो यहाँ पे टैली हमें स्पेलिंग एरर दिखा रहा है, यानी हमें गोविंद एंड सन्स का लेजर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के लिए आपको मालूम है हम जब पार्टी अकाउंट नेम के आगे आते हैं और यहाँ जो हमारा कर्सर है उसके ऊपर हम अल्टर बटन प्रेस करके सी प्रेस करेंगे और एक माध्यम से आप लिस्ट ऑफ लेजर क्रिएशन के विंडो में जा सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में आने के बाद यहाँ पे हम क्रिएट पर एंटर करेंगे तो हम लिस्ट ऑफ लेजर क्रिएशन के विंडो में जाएंगे। फिर से मैं बता देता हूँ, देखिए हमें कोई भी लेजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से क्रिएट पर क्लिक कर सकते हैं या शॉर्टकट की अल्टर सी प्रेस करके भी लेजर क्रिएशन की विंडो को ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रिएट पर एंटर कर रहा हूँ। क्रिएट पर एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारी लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो गई है। अभी मैं मेरा अपना जो नाम था उसे मैं कंट्रोल वी से पार्टी का नाम पेस्ट कर रहा हूँ, आप टाइप भी कर सकते गोविंद एंड सन। उसे पेस्ट करने के बाद अभी एंटर करके ये जो पार्टी है उसको हमें ग्रुप देना पड़ेगा, ग्रुप में डालना पड़ेगा अंडर ग्रुप में। तो देखिए
आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे आने के बाद हमारे राइट साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आ गया है। ये 34 ग्रुप ऑलरेडी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में पहले से ही सेव है। इसमें से हमें हमारा गोविंद एंड सन्स का ग्रुप को सेव सिलेक्ट करना है। तो मैं बता देता हूँ, कोई भी पार्टी यानी जीएसटी धारक पार्टी हो, अनरजिस्टर्ड डीलर हो, या कॉम्पिटिशन लेवी में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ कोई भी सप्लायर हो या कंज्यूमर हो, जब उनसे हम माल परचेज करते हैं, तब हमें सभी लेजर क्रेडिट से माल परचेस करते हैं तो हमें क्रेडिट मिलता है। तो अकाउंट की भाषा में उसे सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलते हैं। अभी सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप्स में ही क्यों डालना उसे, तो आपको अगर ये मालूम नहीं तो आपको मेरी 10 वीडियो जो बेसिक अकाउंट कंसेप्ट की है उसे आपको देखना पड़ेगा कि बेसिक अकाउंट का अगर हमें ज्ञान नहीं है तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में क्यों डालना, ये आपको आइडिया नहीं आएगा। इसलिए मेरी अभी जो ये वीडियो है, इसके पहले की जितनी भी वीडियो आप शांति से देखेंगे बेसिक अकाउंट कंसेप्ट की, तो आपको आइडिया आ जाएगी। तो अभी मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ SU, देखिए ये कैपिटल नाम जो है उसमें निकाल के मैं SUN, ऐसे जब मैं नाम टाइप करता हूँ तो देखो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में मेरा सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेबिटर था, ये दो ग्रुप यहाँ पे शो हो रहे। उसमें से मेरा ग्रुप का नाम है सन्ड्री क्रेडिटर, उसे मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं क्रेडिट पे किसी कस्टमर को सेल करता तो मेरे ग्रुप वो कस्टमर का नाम है सन्ड्री डेटर्स में रिकॉर्ड करता। ये तो मेरा मुझे क्रेडिट मिला है तो मैं सन्ड्री क्रेडिटर्स में उसे सिलेक्ट करके गोविंद एंड सन्स को सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में डालूंगा। देखिए एक बात और बता देता हूँ, जितने भी परचेस वाउचर क्रेडिट में आएंगे सभी के लेजर सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में ही ओपन होंगे। चलो ये अभी आपको आइडिया आ गया। आगे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को नो ही रखना है और आगे इंटर करके हम मेलिंग डिटेल में जाने के बाद यहाँ पे एड्रेस पे आते हैं। आपको यहाँ ध्यान देना है, एड्रेस में हमें स्टेट हमारा जो पार्टी है जो सप्लायर है वो कौन से स्टेट का है, तो वो स्टेट का नाम डालना जरूरी रहता है। एड्रेस में देखिए पहले हम एड्रेस क्या है देख लेते हैं। हमारे PDF फाइल में 1702 रविवार पेट नासिक स्टेट महाराष्ट्र, तो उसे मैं कॉपी करके अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में Ctrl+V से मैंने उसे पेस्ट करने के बाद एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे देखिए मैं स्टेट में आ गया हूँ और अपने इंडिया में जितने भी स्टेट है वो स्टेट के नाम यहाँ पे आ गए हैं। तो मैं अभी यहाँ महाराष्ट्र स्टेट में रहता हूँ तो महाराष्ट्र स्टेट में सिलेक्ट करके कंट्री हमारी इंडिया रहेगी। और अगर आप दूसरे स्टेट का नाम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर मैंने जो अभी प्रैक्टिस के लिए GST फाइल बनाई है तो हर स्टेट का GST IN नंबर अलग अलग रहता है, तो आप प्रैक्टिस के लिए आप भी महाराष्ट्र स्टेट ही सिलेक्ट करो। आपको प्रैक्टिस करनी है, स्टेट कोई भी हो उसका कोई मतलब नहीं, पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए महाराष्ट्र रखेंगे तो आपको GST IN नंबर में नया नंबर बनाने की ज़रूरत नहीं। अभी GST IN नंबर कैसे बनता है, कितने डिजिट का होता है, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है। तो यहाँ पे पिन कोड पे आने के बाद पिन कोड भी हमारे पास अवेलेबल है बिल में तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ तो नहीं है पर मुझे मालूम है पिन कोड क्या है, तो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ 422001। उसके बाद बैंकिंग डिटेल में कोई भी एंट्री रिकॉर्ड ना करते हुए हम पैन में भी कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि हमें GST का काम समझना है। तो अभी GST रजिस्ट्रेशन टाइप कौन सा टाइप में आप जिस पार्टी जो है हमारी गोविंद एंड सन उसका रजिस्ट्रेशन टाइप कौन से टाइप का है, तो आपको आइडिया मैंने पहले ही बता दिया था। दो टाइप में हम रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, कॉम्पिटिशन लेवी में और एक रेगुलर लेवी में। रेगुलर
रेगुलर में और एक कंपटीशन में हम रजिस्ट्रेशन जीएसटी से ले सकते हैं। जीएसटी नंबर को हमें इश्यू होता है, अगर हम कंपटीशन में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं हम, यानी सप्लायर। कोई भी सप्लायर, कोई भी पार्टी दो टाइप में ही रजिस्ट्रेशन ले सकती है, कंपटीशन में और रेगुलर में। तो हमने गोविंद एंड सन्स को, सन्स से जो माल सप्लाई हुआ है, हमें गोविंद एंड सन्स से जो माल सप्लाई हुआ है वो माल हमें, वो जो पार्टी हमारे गोविंद एंड सन्स, ये रेगुलर जीएसटी धारक है। क्योंकि रेगुलर जीएसटी धारक किसे बोलते हैं, हर महीने जो रिटर्न को फाइल करेगा, अभी 3 महीने का पीरियड में भी रेगुलर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अभी अपडेट आ गया, पिछले वीडियो में बता दिया, तो वो रेगुलर फर्म है और कॉम्पिटिशन में रहती तो कॉम्पिटिशन लेता। अगर वो फर्म जीएसटी गोविंद एंड सन्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया होता तो हम अनरजिस्टर्ड फर्म लेते, और अगर कोई कंज्यूमर रहता और कंज्यूमर से हम माल परचेज करते तो कंज्यूमर हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते। पर यहाँ पे तो रेगुलर है, तो रेगुलर में हम उसके रजिस्ट्रेशन टाइप को सिलेक्ट करके अभी हमें गोविंद एंड सन्स का जीएसटीआईएन नंबर को यहाँ टाइप करना है। तो हमारे बिल में देखो, अभी यहाँ पे हमारा जो जीएसटी नंबर है 27 है, महाराष्ट्र का नंबर है शुरुआत का। अगर आप आंध्र का है, तमिलनाडु का है, कोई भी स्टेट का है तो उसका शुरुआत का नंबर चेंज हो जाता है क्या? नहीं तो मैं महाराष्ट्र का है तो मैंने 27 नंबर लेते हुए कंट्रोल सी से मैं कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं अपने टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में पेस्ट करने के बाद इंटर करूंगा तो यहाँ पे देखिए एक वार्निंग मैसेज आ रहा है। टैली हमें बता रहा है वेरीफाई द पार्टी जीएसटीआईएन नंबर। ये जो जीएसटीआईएन नंबर आपने यहाँ टाइप किया है ये गलत है, आप सही नंबर को टाइप करो। मैंने ये नंबर जो बनाया है प्रैक्टिस के लिए बनाया है, तो आपके कंप्यूटर में भी ऐसा मैसेज आएगा। अगर आप फर्म का जिस टाइम रियली काम करेंगे, कोई अकाउंटेंट बनेंगे, तब आपके बिल में जो सप्लायर का नंबर आप डालेंगे तो वो सही होना जरूरी है। अभी तो प्रैक्टिस के लिए यही नंबर हम यूज करने वाले हैं। उसे हम आगे जाने के लिए मैं एंटर प्रेस करने के बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को नो ही रखना है, और एंटर करने के बाद अभी टैली हमें पूछ रहा है गोविंद एंड सन्स का लेजर अकाउंट आपको सेव करना है, एक्सेप्ट है क्या? तो हमें एक्सेप्ट करने के लिए एस यानी एंटर को मैं प्रेस करने वाला हूँ, और एंटर को प्रेस करने के बाद तुरंत एक विंडो ओपन होगी। वो विंडो विंडो का नाम है रिसिप्ट डिटेल। अभी ये रिसिप्ट डिटेल की विंडो का मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। जब हम सप्लायर से कोई माल परचेस करते हैं, उसके पहले सप्लायर में और हम में एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। उस बिजनेस ट्रांजैक्शन में हमारी बातचीत होती है और सप्लायर हमें एक रिसिप्ट इशू करता है। वो रिसिप्ट में हमें बता देता है कि जो माल हमें सप्लाई करने वाला है तो उसका एजेंट का नाम क्या है, उसका एलआर नंबर क्या है, कौन से मोटर व्हीकल नंबर क्या है, कौन से डेट को मैंने आपको मैं माल भेजने वाला हूँ, वो सब डिटेल सभी का, वो जो माल हमें बाद में मिलने वाला है, टैक्स इनवॉइस हमें इशू होने वाला है, उसके पहले हमें रिसिप्ट सप्लायर इशू करता है, उसका डिटेल यहाँ पे हमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी में जब आपको काम करने जाएंगे तो आपको ये सभी रिसिप्ट डिटेल का रिकॉर्ड भी रखना जरूरी होता है। चलो अभी इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन हमें भरनी नहीं है, तो आगे जाने के लिए एक शॉर्टकट की को मैं यूज करता हूँ। अगर मैं शॉर्टकट की मुझे मालूम नहीं रहती तो मैं आगे जाने के लिए मुझे एंटर बहुत बार एंटर को प्रेस करना पड़ता, पर आगे जाने के लिए मैं कंट्रोल ए ये बटन प्रेस करने के बाद और एक विंडो मेरी यहाँ पे ओपन हो गई है, पार्टी डिटेल। यहाँ पे कौन से पार्टी से आप माल परचेस कर रहे हैं हमें बताना है। तो ये तो माल मैं क्रेडिट पे परचेस कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी मैंने गोविंद एंड सन्स का लेजर अकाउंट क्रिएट किया था, उसी टाइम उसकी सभी इंफॉर्मेशन को मैंने सेव किया है। तो वो इंफॉर्मेशन जो मैंने सेव की थी यहाँ पे टैली हमें दिखा रहा है।
अगर मैं कैश में परचेज करता तो सप्लायर बिल फ्रॉम कैश का नाम आता और उसका नेम एड्रेस यहाँ पे रिकॉर्ड करके स्टेट कंट्री और GST नंबर को भी रिकॉर्ड करना पड़ता। पर यहाँ पे मैंने क्रेडिट पे मुझे मैंने माल को परचेज किया है स्टॉक को, तो मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन भरने की ज़रूरत नहीं और मुझे आगे जाने के लिए फिर से मैं कंट्रोल ए ये बटन प्रेस करके आगे हम जाएंगे। अभी कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद हम आते हैं परचेस लेजर में। अभी परचेस लेजर कौन से टाइप का है तो उसके पहले मैं बैक स्पेस का बटन प्रेस करके पीछे आता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ कि देखिए हमने पार्टी अकाउंट नेम गोविंद एंड सन्स, यहाँ पे राइट साइड में लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में गोविंद एंड सन्स का लेजर अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट किया है। अभी उसे हम सिलेक्ट करता हूँ, फिर से विंडो आएगी क्योंकि मैं बैक स्पेस करके पीछे गया था। फिर कंट्रोल ए से मैं आगे जाता हूँ, फिर पार्टी डिटेल की विंडो आ गई, फिर कंट्रोल ए से मैं प्रेस करके आगे जाता हूँ। देखिए और एक बात बता देता हूँ, अगर ये दो विंडो आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे राइट साइड में जो F12 कॉन्फिगर में जाके एक सेटिंग करेंगे एस और नो की, तो ये विंडो भी आपको शो नहीं होगी। वो कैसी करने की आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे, पिछली जितने भी वीडियो उसमें आपको वो मिल जाएगी। मेरी कॉन्फिगर की विंडो नहीं चाहिए तो मैंने बता दिया था, तो आप देख सकते हैं। अभी मैं आगे जाने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ और फिर हम आ गए हमारे परचेस लेजर में और टैली हमें पूछ रहा है कि आपका परचेस का लेजर कौन से टाइप का है। तो ऑलरेडी हमारे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में परचेस एग्जाम का एक लेजर हमने क्रिएट किया है। यानी आपको मैं बता देता हूँ, इसके पहले के जो वीडियो थी उसमें हमने परचेस एग्जाम की एंट्री की प्रैक्टिस की है। आज हमें परचेस GST के लेजर की एंट्री को प्रैक्टिस में लाना है। तो यहाँ पे हमारा परचेस GST का लेजर होना जरूरी है, यहाँ तो नहीं है तो हमें परचेस GST का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। अभी परचेस GST का लेजर क्यों तो मैं बता देता हूँ। मेरे PDF फाइल में आने के बाद देखिए यहाँ पे गोविंद एंड संस से हमने जो माल परचेस किया शुगर T20 और TRG, ये दोनों आइटम पे GST रेट हमने पे किया हुआ है। SGST और CGST यहाँ पे हमें रिकॉर्ड में लेना है, तो इसलिए हमें यहाँ पे हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में परचेस का लेजर रहेगा परचेस GST। उसे क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में क्रिएट पर या अल्टर सी प्रेस करके हम हमारे लेजर क्रिएशन के विंडो में आने के बाद यहाँ पे हम नाम टाइप करेंगे PURCHASE, हमारा लेजर का नाम है GST। ये लेजर टाइप करने के बाद हम एंटर करेंगे तो हमारा अंडर ग्रुप यहाँ पे हमें अंडर ग्रुप यानी परचेज GST को कोई ग्रुप में डालना पड़ेगा। तो अभी कौन सा ग्रुप रहेगा परचेज GST का तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। हम जब भी कोई कभी भी कौन सा भी काम करेंगे, कौन सा भी यानी हम कभी भी कोई भी परचेज का लेजर अकाउंट क्रिएट करेंगे तो परचेस अकाउंट के जितने भी लेजर के कोई भी नाम रहो तो उसका ग्रुप हमेशा परचेस अकाउंट ही रहता है। देखिए यहाँ पे हमारे राइट साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप में फिर से हमें टैली 34 ग्रुप दिखा रहा है और इसके अलावा भी हमें और कोई ग्रुप क्रिएट करना है तो यहाँ से हम हमारे लिस्ट ऑफ ग्रुप में से क्रिएट पर क्लिक करके नया ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। पर अभी हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे ग्रुप का नाम है परचेस अकाउंट। तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स पे मैं एंटर कर उसको निकाल के मैं परचेस अकाउंट को टाइप करूँगा PUR। तो देखिए अभी यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर लिस्ट ऑफ ग्रुप में यहाँ पे मेरा परचेस अकाउंट यहाँ पे आ गया है, उसे मैं सिलेक्ट करता हूँ। अभी एंटर करने के बाद वो हमारा परचेस अकाउंट सिलेक्ट हो गया है। देखिए पीछे जाके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए अभी परचेस अकाउंट अंडर में आने के बाद अभी एंटर करने के बाद टाइप ऑफ लेजर हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ही रखेंगे। उसके बाद
हमारा जीएसटी का डिटेल हमें भरना है, तो हमें परचेज जीएसटी का डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं, उसे एप्लीकेबल ही रखेंगे। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को नो ही रखेंगे, क्योंकि मैं पहले ही बता देता हूँ, जब हम स्टॉक को क्रिएट करेंगे, जो सप्लायर से हमें जो स्टॉक सप्लाई हुआ है, जब उस वो जो स्टॉक है उसे जब हम क्रिएट करेंगे, तो वो सप्लाई का जो स्टॉक हमने क्रिएट करना है, उसी टाइम पे वो स्टॉक के आइटम में ही जीएसटी का डिटेल, उसका परसेंटेज कितने परसेंट लगा है, 12% है, 18% है, उसका जीएसटी रेट वो उसके स्टॉक आइटम में हमें सेव करना है, यहाँ पे नहीं। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना। हमें एंटर करने के बाद टाइप ऑफ सप्लाई, हमारा गुड्स है, फिजिकल आइटम है, हम सर्विस नहीं देते, हम फिजिकल आइटम को से क्या करते हैं, सेल करते हैं। ये जो आइटम है अभी परचेज जीएसटी का, तो फिजिकल आइटम है, तो उसे हम गुड्स में टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स को सिलेक्ट करके आगे जाएंगे, तो बैंकिंग डिटेल में भी कुछ भी करना नहीं, और एंटर करेंगे तो टैली हमें पूछ रहा है, देखिए परचेज जीएसटी जो अकाउंट आप लेजर अकाउंट अभी क्रिएट कर रहे हैं, उसका इंफॉर्मेशन आपने जो भर दिया, उसका ग्रुप, टाइप ऑफ लेजर, टाइप ऑफ सप्लाई, सब करेक्ट है, तो आप उसे एक्सेप्ट करो, येस और नो करेंगे तो उसका लेजर क्रिएट नहीं होगा। हमें एक्सेप्ट करने के लिए हम एंटर करेंगे, तो देखिए हम अभी नेम ऑफ आइटम में आ गए। तो फिर से मैं बैकस्पेस लेके परचेज जीएसटी के अकाउंट में आने के बाद, देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में हमारा परचेज जीएसटी का लेजर अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। उसे सिलेक्ट करके एंटर करने के बाद हम नेम ऑफ आइटम में आते हैं। देखिए अभी नेम ऑफ आइटम में आने के बाद हमारे राइट साइड में लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम की एक लिस्ट ओपन हो चुकी है। तो मैं फिर अपने बिल में जाता हूँ। हमारे बिल में हमारा स्टॉक आइटम का नाम है शुगर T20। तो ये आइटम हमें अगर हमारे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में है तो उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं होगा तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम के क्रिएट पर जो येलो लाइन में दिख रहा है उसे उसके ऊपर एंटर करके स्टॉक क्रिएशन विंडो ओपन करके उसे क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं बता देता हूँ एक बार फिर से, हमें सप्लायर से जीएसटी के बिल इशू हुए थे, उसकी हमने पीडीएफ फाइल बनाई है, वो पीडीएफ फाइल के माध्यम से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें शुरुआत में हमने इनवॉइस की डेट, उस इनवॉइस नंबर, उसके बाद हमारा सप्लायर यानी पार्टी अकाउंट का लेजर अकाउंट क्रिएट किया, फिर परचेस लेजर का अकाउंट भी हमने क्रिएट किया। अभी यहाँ पे नेम ऑफ आइटम यानी अकाउंट विथ इन्वेंटरी शुरू हो गया है, अकाउंट ओनली और अकाउंट विथ इन्वेंटरी ओनली। अकाउंट विथ इन्वेंटरी इसका मतलब हमें मालूम होना चाहिए, अकाउंट ओनली में स्टॉक आइटम का एंट्री नहीं होता, और अकाउंट विथ इन्वेंटरी में अकाउंट लेजर अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ता है और स्टॉक आइटम को भी क्रिएट करना पड़ता है। तो हम अकाउंट विथ इन्वेंटरी में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी देखिए हमें लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में हमारा आइटम क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं क्रिएट पर क्लिक करने के बाद हमारा स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो ओपन हो गई है। अभी जितनी भी विंडो ओपन होगी तो मैं बता देता हूँ समझने के लिए, हमने जो विंडो पहली ओपन की थी वो कौन सी थी, लेजर अकाउंट क्रिएशन की थी। अभी जो विंडो ओपन हुई है तो स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो ओपन हो गई है। अभी हमारा स्टॉक आइटम को हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए, देखिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, हमारे स्टॉक आइटम का नाम हमारे पीडीएफ फाइल में मिलेगा। देखिए शुगर T20 को मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करके यहाँ पे हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया है। आप टाइप भी कर सकते हैं, आप भी पेस्ट कर सकते हैं। अभी नाम डालने के बाद एंटर करके हम अंडर ग्रुप में आएंगे, तो अंडर ग्रुप में देखिए लेजर अकाउंट जब हम क्रिएट करते हैं तो उसे भी कोई ग्रुप में डालना पड़ता है, और स्टॉक आइटम जितने भी स्टॉक आइटम को हम क्रिएट करते उसे भी ग्रुप में डालना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे
शुगर T20 जो एटम है उसको भी ग्रुप में डालना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे राइट साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप में हमारा एटम एट द रेट ऑफ 0% का ग्रुप ऑलरेडी हमने क्रिएट किया था। अभी हमें शुगर T20 का ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि शुगर T20 पे हमने GST दिया है 12%। देखिए GST रेट उसका 12%, यानी हमें टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में एटम एट द रेट ऑफ 12% का ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी 12% के एटम आएंगे तो फिर से हमें ग्रुप लिस्ट ऑफ ग्रुप में खाली उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एक बार क्रिएट होने के बाद वही ग्रुप का कोई स्टॉक एटम फिर से आता है तो उसे खाली सिलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट पर एंटर करता हूँ लिस्ट ऑफ ग्रुप में, तो यहाँ पे देखिए स्टॉक ग्रुप क्रिएशन की विंडो ओपन हो गई। पहले तो स्टॉक एटम की क्रिएट हुई थी, अभी स्टॉक ग्रुप की विंडो ओपन हो गई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ITEMS एटम एट द रेट ऑफ 12%। ये टाइप करने के बाद एंटर करके अंडर ग्रुप को प्राइमरी रखना है। शुड क्वांटिटीज ऑफ एटम बी एडेड, उसे कुछ भी ऐड नहीं करना। सेट अल्टर GST डिटेल को भी कुछ ऐड नहीं, उसमें भी कुछ टाइप नहीं करके एंटर करेंगे तो अभी टैली पूछ रहा है, उसे सेव करना है एटम एट द रेट ऑफ 12% को। तो सेव करने के लिए एंटर करूंगा, तो देखिए फिर से मैं बैक स्पेस करके पीछे जाता हूँ। यहाँ पे देखिए अंडर में एटम एट द रेट ऑफ 12% या राइट साइड में आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ ग्रुप में एटम एट द रेट ऑफ 12% हमारा क्रिएट हो गया है सक्सेसफुली। ओके, उसे सिलेक्ट करके आगे जाने के बाद हम आते हैं यूनिट में। देखिए हम जब भी कोई भी स्टॉक एटम को क्रिएट करते हैं तो पहले तो स्टॉक एटम का नाम हमें डालना पड़ता है, उसका ग्रुप भी हमें क्रिएट करना पड़ता है, और उसके बाद आता है यूनिट। अभी यूनिट हमारे अनेक टाइप के होते हैं। यूनिट यानी यूनिट क्वांटिटी कोड टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर ने बनाए हैं, तो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। देखिए यूनिट का मतलब रहता है कोई एटम, फिर से मैं अपने PDF फाइल में जाके आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये शुगर T20 उसका यूनिट हमें यहाँ मिलेगा क्वांटिटी में, पीसेस में। अगर शुगर शुगर T20 पीसेस में मिल रहा है, कोई एटम हमें बैग में मिलेगा, कोई पैकेज में मिलेगा, कोई किलोग्राम में मिलेगा, कोई किलो लीटर में मिलेगा, कोई रोल में मिलेगा, कोई बॉक्सेस में मिलेगा। ये एटम हमें पीसेस में मिल रहा है, यानी इसका यूनिट पीसेस है। तो अभी देखिए टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में हमने पहले से ही पीसेस का यूनिट क्रिएट किया हुआ है। देखिए उसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, फिर से बैक स्पेस करके पीछे आता हूँ, और मैंने कैसे उसे क्रिएट किया था उसको दिखाने के लिए एक शॉर्टकट की है। मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर करने के बाद यूनिट अल्टरेशन विंडो में गया हूँ। यहाँ पे देखिए टाइप में सिंपल ही रखना है, और सिंबल में मैंने जब क्रिएट किया था तो उसका PCS ये नाम डाला। अभी उसका फॉर्मल नेम हमें रिकॉर्ड करना है, फॉर्मल नेम यानी फुल नेम। तो PCS का फुल नेम रहता है PIECES। ये टाइप करने के बाद फिर एंटर करने के बाद या यूनिट क्वांटिटी कोड टैली ने ऑलरेडी 44 यूनिट क्वांटिटी कोड यहाँ से सेव है। इसमें से हमें पीसेस का यूनिट हमारा कोड नंबर यहाँ मिल गया है, ऐसे 44 यूनिट है। आप नया यूनिट क्वांटिटी कोड भी क्रिएट कर सकते हैं, पर अभी जरूरी नहीं है हमें। फिर यू पीसेस को सिलेक्ट करके हम नंबर ऑफ डिसिमल प्लेसेस को 0 ही रखना है, फिर एंटर करके एस करने के बाद फिर बैक स्पेस करके देखिए पीसेस का यूनिट हमारा क्रिएट हो गया है, जो मैंने पहले से किया था। पर कैसे किया था, अगर कोई वीडियो आज देखेगा मेरी आज से तो उसको भी आइडिया आ जाएगा यूनिट कैसे क्रिएट करने का। अगर उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मेरी पिछली सब वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलो आगे जाके एंटर करेंगे तो हम आ गए अभी GST का डिटेल में। तो यहाँ पे GST एप्लीकेबल रखना है शुगर T20 का, और उसके बाद सेट अल्टर GST डिटेल यहाँ पे हमें यस करना है।
फिर से मैं बता देता हूँ, कोई भी जीएसटी का रेट हमें रिकॉर्ड करना है तो जब हम स्टॉक आइटम को क्रिएट करते हैं वही विंडो में ही हम हमारे जीएसटी रेट को रिकॉर्ड करेंगे। दूसरी जगह कोई भी जीएसटी अल्टर जीएसटी सेट अल्टर जीएसटी डिटेल की विंडो ओपन होगी तो उसमें कुछ भी करना नहीं। तो यहाँ पे नो है, यहाँ पे मैं वाई यानी एस करके एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारी जीएसटी डिटेल फॉर स्टॉक आइटम शुगर T20 की विंडो ओपन हो गई है। उसमें हमें टैली बता रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका एचएसएन नंबर क्या है, उसका कैलकुलेशन टाइप क्या है, टैक्सेबिलिटी क्या है, टैक्स टाइप रहते हैं हमारे इंटीग्रेटेड टैक्स रेट क्या है, सेंट्रल का क्या है, स्टेट का क्या है, अगर सेज है तो उसका रेट क्या है। तो देखिए आपकी विंडो अगर ऐसी शो हो रही है तो नो प्रॉब्लम, अगर नहीं हो रही है तो या फंक्शन बार में राइट साइड में कॉन्फिगर जो हमारा जो उसमें चेंज करने के लिए हम F12 को प्रेस करेंगे तो यहाँ कॉन्फिगरेशन की विंडो ओपन हो गई है। और यहाँ हमें बताना है कि आपको एचएसएन डिटेल चाहिए तो आप एस करना है हमें, अगर आपके यहाँ नो है तो आपको एस करना है, और लास्ट में देखिए शो ऑल जीएसटी डिटेल टाइप को अगर नो है तो एस करके बाकी जगह कोई भी एस नहीं करना, और एंटर करके आने के बाद आपकी विंडो आईसी शो होगी। अगर आईसी विंडो आपकी शो हो रही है तो कॉन्फिगर में जाने की जरूरत नहीं, नहीं हो रही तो कॉन्फिगर में जाके दो जगह आपको एस करके यहाँ आना है। तो यहाँ पे देखिए अभी डिस्क्रिप्शन में तो हमें कुछ रिकॉर्ड करना नहीं, एचएसएन नंबर हमें हमारे बिल में मिल गया है तो सर शुगर T20 का एचएसएन नंबर को मैं कंट्रोल सी से कॉपी करके हमारे टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट करना है, और उसके बाद कैलकुलेशन टाइप हमें ऑन वैल्यू ही रखना है, टैक्सेबिलिटी को हमें टैक्सेबल रखना है क्योंकि ये आइटम पे हमने टैक्स दिया है, कितना टैक्स दिया है वो भी हमारे बिल में है 12%। देखिए 12% जीएसटी हमने शुगर T20 को पेड किया है बिल में हमारे, तो यहाँ पे हम 12% इंटीग्रेटेड टैक्स और सेंट्रल का 6% और स्टेट का 6% ऑटोमेटिकली टैली काउंट करता है, सेज में कोई रिकॉर्ड करना नहीं। और एंटर करके आगे जाने के बाद सेट अल्टर जीएसटी विंडो डिटेल की विंडो सेव हो गई है। अभी टाइप ऑफ सप्लाई में आने के बाद दो प्रकार के टाइप होते हैं, एक सर्विस को प्रोवाइड करना रेंडर करना और गुड्स को सेल करना परचेस करना, सप्लाई करना सर्विस को लेना और रेंडर करना। तो यहाँ पे फिजिकल आइटम हमने परचेस किया है तो यहाँ पे हम गुड्स को एंटर करेंगे और रेट ऑफ ड्यूटी में कुछ भी रिकॉर्ड ना करते हुए एंटर करेंगे तो लास्ट में हमें टैली बता रहा है कि शुगर T20 जो आइटम आप ही क्रिएट करना है उसकी सभी इंफॉर्मेशन करेक्ट है ना। तो हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन भरी थी, शुगर T20 नाम भी बराबर है, अंडर ग्रुप आइटम एट द रेट ऑफ 12% भी करेक्ट है, यूनिट पीसेस में है, जीएसटी डिटेल का एचएसएन नंबर परसेंटेज हमने बराबर रिकॉर्ड किए। एक बात मैं बता देता हूँ, अगर आप शुगर T20 का आइटम को क्रिएट करेंगे तो क्रिएट करते टाइम अगर सेट अल्टर जीएसटी विंडो में उसका जो जीएसटी टैक्स 12% है वो गलती से आपने उसमें गलती कर दी तो आप जब बिल की एंट्री करेंगे तो उसका जीएसटी का जो टैक्स कट हुआ है बिल में वो गलत हो जाएगा क्योंकि टैली खुद उसको काउंट करता है। चलो आगे जाके मैं जब वो एंट्री करूंगा तब मैं बता देता हूँ, इसी वीडियो में बता देता हूँ क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो आपका ये ज्यादा बढ़ जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। चलो उसे सेव करके मैं आगे जाता हूँ, अभी शुगर T20 देखिए पीछे जाके देखता हूँ, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में हमारा शुगर T20 ये आइटम हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। इसके पहले के जितने भी आइटम थे उसकी एंट्री हमने की है वो कितने स्टॉक उसका बाकी है ये हमें टैली यहाँ भी बता रहा है, अगरबत्ती आर का 106, 108 किलोग्राम हमारा स्टॉक बाकी है, गैम रोल का 127 लीटर स्टॉक हमारे पास अभी बाकी है, गोगा के 679 पीसेस हमारे पास शिल्लक है बाकी है। अभी शुगर T20 की एंट्री करने के बाद उसकी भी क्वांटिटी यहाँ पे दिखा देगा। तो चलो एंटर करके यहाँ पे क्वांटिटी और रेट को हमें यहाँ रिकॉर्ड करना है, तो चलो हमारे पीडीएफ फाइल में 12 पीसेस क्वांटिटी और
4712 रुपये 34 पैसे, उसे हमें यहाँ पे टाइप करना है यानी यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो हमारे टैली प्राइम में हम यहाँ पे क्वांटिटी 12 और एंटर करने के बाद देखो यहाँ पे पीसेस हमने नहीं किया, कुछ टैली नहीं लिया। अभी रेट भी मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ तो देखिए 4712 रुपये 34 पैसे पर पीसेस ऐसा दिखा रहा है, और उस खुद टैली ने 56548 रुपीज और 8 पैसे काउंट किया है। हमारे बिल में हम देख सकते 56548 रुपीज 48 रुपीज 0.08, ये जो शुगर टी 20 की अमाउंट थी उसे खुद टैली ने काउंट किया। और एक आइटम हमें अभी TRG उसे भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। चलो हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आने के बाद टैली हमें पूछ रहा है कि T20 का नाम अगर हम T टाइप करेंगे यहाँ पे तो हमारा यह लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में TRG जो आइटम है उसे भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। और क्रिएट करने के लिए हम लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में क्रिएट पर एंटर करेंगे तो हमारी स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। उसमें हम हमारा आइटम TRG को टाइप करेंगे। मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। यहाँ भी हमें TRG का ग्रुप हमें यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसे भी ग्रुप में हमें डालना पड़ेगा। अभी TRG का ग्रुप क्या है GST का, तो हमने एटम एट द रेट ऑफ 0% और एटम एट द रेट ऑफ 12% पहले से हमारे लिस्ट ऑफ ग्रुप में क्रिएट है, पर हमारा TRG का परसेंटेज GST का है 18%। देखिए हमारे बिल में TRG 18%, यानी हमारा टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में एटम एट द रेट ऑफ 18% का ग्रुप हमें क्रिएट करना पड़ेगा। और क्रिएट करने के लिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में क्रिएट पर आके यानी कंट्रोल अल्टर सी जो शॉर्टकट की उसे प्रेस करके हम स्टॉक ग्रुप क्रिएशन के विंडो में आने के बाद यहाँ पे देखिए हम हमारे एटम आई आई टी ई एम एस एटम्स एट द रेट ऑफ 18% ये नाम टाइप करके अंडर ग्रुप जो अंडर है वो प्राइमरी रखेंगे। शुड क्वांटिटी ऑफ एटम बी एडेड को नो रखना है। सेट अल्टर जीएसटी को कुछ भी करना करते हुए एक्सेप्ट करने के लिए एस प्रेस करेंगे। तो फिर मैं बैक स्पेस करके पीछे आता हूँ। देखिए अभी हमारे लिस्ट ऑफ स्टॉक एटम में एटम एट द रेट ऑफ 18% यहाँ पे क्रिएट हो गया है। उसे सिलेक्ट करके अभी हमारा ये जो TRG है उसके यूनिट को हमें सिलेक्ट करना है, तो उसका यूनिट भी पीसेस में है PCS। उसे सिलेक्ट करके आगे जाने के बाद देखिए GST एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल रख के यहाँ पे TRG जो है सेट अल्टर GST डिटेल उसे हमें एस करना है। और एस करने के बाद देखिए हम फिर से बता देता हूँ पीसेस है क्या नहीं, एक बार देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे पीसेस ही है TRG का। अभी देखिए यहाँ HSN नंबर और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स 18% को भी हमें रिकॉर्ड करना है, तो मैं पहले से ही कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया। फिर हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आके सेट अल्टर GST डिटेल में एस करके एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे GST डिटेल फॉर स्टॉक आइटम TRG की विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ भी ना करते हुए, कुछ भी टाइप ना करते हुए आगे जाएंगे तो अभी HSN नंबर तो हमारे बिल में है तो उसे मैं पेस्ट कर देता हूँ 9924790। फिर एंटर करके कैलकुलेशन टाइप जो है उसे ऑन वैल्यू और टैक्सेबिलिटी को टैक्सेबल ये सिलेक्ट करके आगे जाएंगे तो इंटीग्रेटेड टैक्स है 18%। मैं एक बात बता देता हूँ आपको, आज की डेट को अगर हम 2021 का काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को अगर ये 18% जो TRG का जो आइटम हम यहाँ पे उसका GST रेट यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर रहे हैं सेव कर रहे हैं, अगर कुछ 6 महीने के बाद अगर चेंज होता है तो आप वही तारीख को फिर से जाके वही तारीख को चेंज कर सकते हैं। यानी 6 महीने का 18% रहेगा, उसके बाद अगर वो उसके ऊपर 28% टैक्स लग गया तो वो भी 28% भी आप कर सकते हैं।
आपको उसकी डेट वो बोलेंगे का आप कहाँ से, फ्रॉम टू कहाँ से आप अभी लेंगे और उसके बाद कहाँ से लेंगे टैली हमें पूछेगा। डेट की एक विंडो आएगी, तो मैं एडवांस लेवल आप करेंगे तो मैं बता देता हूँ। अगर T20 का हमारा साल है 12 महीने का, देखिए 12 महीने से 1 अप्रैल से सितंबर तक TRG का रेट था 18%, फिर 1 अक्टूबर से मार्च तक उसका हो गया 28%। तो फिर से TRG का आइटम हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ से ही हम 1 अक्टूबर को जाके अगर यहाँ पे हम चेंज करेंगे तो 1 अक्टूबर तारीख हमें एक विंडो टैली हमें पूछेगा, अभी जो 28 तक के आप रेट बोल रहे हो कौन से तारीख से आपको लेना है, तो वो तारीख हम यहाँ पे टाइप करेंगे तो वही तारीख से आगे टैली 28% ही लेगा, और उसके पहले के जितना भी आइटम आपने परचेज की उसके ऊपर 18% ही दिखाएगा। ये पहले क्लियर कर देता हूँ। हाँ चलो, फिर 9% 9% सेल्स में कुछ भी नहीं डालना। फिर एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ सप्लाई में हमारा फिजिकल आइटम है, गुड्स ही है, उसे सिलेक्ट करके रेट ऑफ ड्यूटी में कुछ भी ना करके एंटर करेंगे तो टैली हमें पूछ रहा है TRG आइटम आपने जो अभी क्रिएट करना है तो उसका इंफॉर्मेशन आपने जो यहाँ पे सेव कर रहे हो करेक्ट है, एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट करने के लिए एंटर करेंगे तो देखिए फिर से मैं बैक स्पेस करके पीछे आता हूँ, यहाँ पे TRG ए आइटम हमारा यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में क्रिएट हो गया है। उसे सिलेक्ट करके आगे जाएंगे तो उसकी क्वांटिटी और रेट को हमें यहाँ फिडअप करना है, तो उसके लिए हमें पहले 14 पीसेस 2347 रुपये 18 पैसा, मैं उसे कॉपी करता हूँ यहाँ पे मेरे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आके 14 पीसेस और कंट्रोल वी 2347 रुपये 18 पैसे से 32,860 रुपये 52 पैसे टैली ने काउंट किए हैं। चलो हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में हम देख लेते, PDF फाइल में देख लेते 32,860 रुपये 52 पैसे और टोटल टैक्सेबल वैल्यू 89,408 रुपीज़ और 60 पैसे। तो देखिए 89,408 रुपीज़ 60 पैसे टैली ने लिए है। देखिए ऐसे कितने भी आइटम, देखिए फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो बिल मैंने बनाया है ये आइटम के दो ही आइटम मैंने लिए, ऐसे 10 25 40 50 आइटम एक सप्लायर से हम सप्लाई करेंगे तो हर एक आइटम की एंट्री आप स्टेप बाय स्टेप करके जा सकते हैं। टैली प्राइम भी सॉफ्टवेयर भी हमें पूछेगा। चलो देखते हैं, हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आने के बाद फिर मैं एंटर करूंगा तो यहाँ देखिए अभी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर हमें फिर से पूछ रहा है, यहाँ देखिए कि और कोई आइटम है क्या आपको यहाँ रिकॉर्ड करना है क्या। अगर हमने उसे क्रिएट किया है तो उसे सिलेक्ट करके उसकी एंट्री यहाँ पे कर सकते, नई क्रिएट नई सिलेक्ट किया है नया आइटम आ गया तो उसे क्रिएट भी कर सकते। तो यहाँ पे तो फिलहाल दो ही आइटम हमने लिए प्रैक्टिस के लिए, तो मैं अभी एंटर करके आगे जाता हूँ। तो अभी यहाँ पे हमारा स्टॉक के दो आइटम की एंट्री पूरी हो गई। अभी फिर से हमें टैली प्राइम सॉफ्टवेयर यहाँ पे बता रहा है कि और कोई एंट्री, ये बिल में कोई एंट्री आपको ऐड करनी है क्या। तो देखिए चलो हम हमारे PDF फाइल पे जाके देखते हैं, यहाँ तक तो हमारी एंट्री हो गई है, यहाँ तक देखिए यहाँ तक देखिए यहाँ तक तो हमारी एंट्री हो गई है। तो अभी हमें यहाँ SGST और CGST का जो हमें टैक्स लगाया है बिल में उसकी एंट्री करनी है। तो पहले हमें तो SGST का लेजर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद CGST का लेजर अकाउंट क्रिएट करने पड़ेगा और बिल को राउंड ऑफ करने के लिए राउंड ऑफ का लेजर भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहले हम SGST का लेजर अकाउंट क्रिएट करते हैं, मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ। तो देखिए हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आने के बाद यहाँ पे जो कर्सर है उसके ऊपर आप SGST अगर हमारा अकाउंट क्रिएट है तो एस प्रेस करूंगा तो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में देखिए यहाँ तो SGST का कोई लेजर अकाउंट नहीं दिख रहा है। देखिए शो मोर को मैं प्रेस करता हूँ तो इतने ही आइटम हमारे ऑलरेडी क्रिएट है, परचेज GST और परचेस एग्जाम। तो हमें क्रिएट करने के लिए हमारे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में क्रिएट पर आने के बाद या सी प्रेस करने के बाद हम लिस्ट लेजर क्रिएशन के विंडो में फिर आ गए। अभी यहाँ पे हमारा SGST का लेजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए SGST को टाइप कर सकते हैं, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है। अभी इसमें ग्रुप में डालना है, देखिए टैली प्राइम सॉफ्टवेयर बनाया है उसे पहले सॉफ्टवेयर को समझना है और हमें बेसिक ज्ञान भी होना जरूरी है अकाउंट का। अगर कौन से ग्रुप को कौन से आइटम को कौन से ग्रुप में डालना,
अगर हमें उसकी आइडिया नहीं तो आपको बेसिक अकाउंट का ज्ञान होना जरूरी है। अभी HGST क्या है? तो HGST एक टैक्स है, ये तो क्लियर, ये टैक्स है, स्टेट का टैक्स है, तो टैक्स का अंडर ग्रुप रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्स। देखिए फिर से मैं पीछे जाता हूँ, लिस्ट ऑफ लेजर, लिस्ट ऑफ ग्रुप में 34 ग्रुप है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको नाम भी आपको याद रहेंगे, आप एक बार पढ़ेंगे उसको तो याद रहेंगे। तो उसमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस आपको मिलेगा, देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस यहाँ पे मिल गया। अगर नहीं मिलता तो यहाँ पे आप टाइप करके भी दे सकते हैं DU, है क्या, अंडर ग्रुप को। तो यहाँ देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप में ड्यूटीज एंड टैक्स को हम सिलेक्ट करेंगे। अभी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर बता रहा है हमें कि टाइप्स ऑफ ड्यूटीज जो टैक्स है कौन से टाइप का है। तो ये तो GST है, आपको तो आइडिया है, और अदर में हमारा इनकम टैक्स रहेगा, प्रोफेशनल टैक्स का भी रह सकता है, हर एक साल को भरते तो अदर नहीं GST। तो हमें टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स को GST सिलेक्ट करना है, उसके बाद भी टैक्स टाइप कौन सा है हमें यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो AGST टैक्स है स्टेट का, तो हम स्टेट टैक्स को सिलेक्ट करेंगे। देखिए समझ लो एक बार, हाँ एक बार, गलती ना हो, गलती होगी शुरुआत में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो गलती होगी, तो यह गलती अपेक्षित नहीं है, गलती नहीं होनी चाहिए। तो स्टेट ही रहेगा तो स्टेट को ही सिलेक्ट करेंगे, सेंट्रल रहेगा तो सेंट्रल को ही सिलेक्ट करेंगे, IGST रहेगा तो IGST को सिलेक्ट करेंगे। अभी तो फिलहाल AGST है तो स्टेट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन को जीरो ही रखना है, राउंड ऑफ मेथड में भी कुछ भी नहीं करना है, नॉट एप्लीकेबल, और बैंकिंग डिटेल में भी हमें कुछ भी नहीं करना, क्योंकि राउंड ऑफ मेथड का जो राउंड ऑफ बिल का लेजर हम अलग बनाने वाले, तो यहाँ राउंड ऑफ नहीं करेंगे, टैक्स में टैक्स वही रखेंगे। फिर एंटर करने के बाद यहाँ टैली पूछ रहा है, अभी HGST का जो लेजर अकाउंट क्रिएट कर रहा है उसे सेव करना है, तो हमें सेव करने के लिए एंटर करूँगा। तो देखिए फिर से बैक स्पेस करके मैं पीछे आता हूँ, HGST, देखिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में हमारा HGST का लेजर अकाउंट हमने क्रिएट कर दिया, उसे सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 6,350 रुपये और 6,350 रुपये और 33 पैसे HGST टैली ने खुद काउंट किया। अगर ये टैक्स में गलती हो गई, ये देखिए हमारे बिल में पहले देख लेते, 6,350 रुपये 33 पैसे टैली ने लिए। अगर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में इसमें जो टोटल गलत हो जाएगी तो समझ लेना हमने जो स्टॉक आइटम क्रिएट किए थे उसी टाइम में उसके HSN कोड नंबर हमने डाल दिया, उसके बाद उसका जो टैक्स का रेट था उसमें गलती हो गई, इसलिए ये कैलकुलेशन अकाउंट में गलती हो गई। पर यहाँ पे हमारी टोटल करेक्ट है, तो हमें यानी हमने जो स्टॉक आइटम क्रिएट किए थे और उसके GST डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन हमने सेव की वो भी करेक्ट है, ऐसा उसका मतलब होता है। उसके बाद फिर से हमें अभी टैली प्राइम्स पूछ रहा है और कोई लेजर की एंट्री आपको यहाँ सेव करनी है, रिकॉर्ड करनी है। तो देखिए अभी CGST का लेजर हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं फिर से इसे कॉपी करके कंट्रोल सी से हमारे इसमें आता हूँ टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में, फिर सी प्रेस करने के बाद देखिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में या शो मोर पे मैं फिर प्रेस करके प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे परचेज GST, परचेज एग्जाम और HGST, ऐसे तीन लेजर हमारे पहले से क्रिएट है, पर हमारा CGST का लेजर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट करने के लिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में क्रिएट पर या कंट्रोल सी प्रेस करके हम लिस्ट लेजर क्रिएशन विंडो में आ गए हैं। अभी यहाँ पे मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया CGST, फिर एंटर करके उसका ग्रुप भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रहेगा, क्योंकि ये टैक्स है तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा। टाइप्स ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्स उसका भी GST का ही, उसका रिलेशन जो है CGST का, वो GST का मतलब है, GST से वो रिलेशन में है तो उसे GST में डालेंगे। और उसके बाद अभी यहाँ पे टैक्स टाइप्स कौन सा है तो आपको इतना तो आइडिया होना चाहिए, CGST यानी सेंट्रल टैक्स, तो सेंट्रल को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन नो रखना है, राउंड ऑफ मेथड को भी नॉट एप्लीकेबल, बैंकिंग डिटेल में कोई रिकॉर्ड ना करते हुए टैली अभी पूछ रहा है, तो
इसी जीएसटी लेजर को आपको एक्सेप्ट करना है, तो हमें एक्सेप्ट करने के लिए एंटर प्रेस करने के बाद देखिए मैं बैक स्पेस लेके फिर दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में सी जी एस टी का लेजर अकाउंट हमने सक्सेसफुली क्रिएट किया है। अभी उसे सिलेक्ट करके एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे सी जी एस टी का 6,350 रुपये 33 पैसे खुद टैली ने काउंट किया है। हमारे बिल में हम देख सकते हैं कि जीएसटी और सी जी एस टी का अमाउंट 6,350.33 6,350.33, ये दोनों की एंट्री हमारी हो गई है। उसके बाद अभी राउंड अप का एंट्री हमें -0.26 को रिकॉर्ड करना है, तो राउंड अप का पहले हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी पहली ही बिल की एंट्री है। इसके बाद जीएसटी और सी जी एस टी और राउंड अप की लेजर फिर से क्रिएट करना करने की जरूरत नहीं रहेगी आगे के बिल में। चलो यहाँ पे देखिए राउंड अप का मैं आर प्रेस करता हूँ यहाँ पे, तो हमारे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में देखिए यहाँ पे हमारे सी जी एस टी परचेज जी एस टी परचेस एग्जम्प्ट और परचेस और एच जी एस टी की ही लेजर क्रिएट हुए है। तो यहाँ पे हमारा राउंड अप का लेजर क्रिएट करने के लिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में क्रिएट पर आने के बाद या अल्टर सी बटन प्रेस करने के बाद फिर से हम लेजर क्रिएशन के विंडो में आने के बाद कंट्रोल वी से मैंने यहाँ राउंड अप नाम पेस्ट कर दिया, आप टाइप कर सकते हैं। और उसके बाद फिर से ध्यान रखना पड़ेगा अभी राउंड अप लेजर कौन से ग्रुप में डालेंगे, तो अभी 34 ग्रुप ऑलरेडी टैली प्राइम प्राइम ने सॉफ्टवेयर में सेव किए। तो राउंड अप का मतलब रहता है जो कोई भी बिल रहेगा तो उसे पैसे का जो उसे हम राउंड अप करते हैं तो उसका कभी हमारा एक्सपेंसेस बनता है, खर्चा होता है, क्योंकि हमने 50 पैसे का 1 रुपये बनाया तो हमारा 50 पैसे ज़्यादा गया तो हमारा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा। तो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम करेंगे देखिए इनडायरेक्ट ड्यूटीज एंड टैक्सेस में हम टाइप करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ई एंड इनडायरेक्ट। देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैंने सिलेक्ट किया। अगर हमारे पास पैसे जमा होते हैं राउंड ऑफ में तो हम उसके ग्रुप को इनडायरेक्ट इनकम में डालेंगे, पर ज़्यादातर हमारा एक्सपेंसेस होता है तो एक्सपेंसेस डालेंगे। ईयर खत्म होने के बाद हम देखेंगे अगर हमारे पास पैसे जमा हो गए राउंड ऑफ में तो हम उसका ग्रुप चेंज कर सकते हैं, बाद में उसे कर सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनकम में। अभी फिलहाल तो हम एक्सपेंसेस में ही उसे क्रिएट करेंगे। उसके बाद एंटर करने के बाद अभी देखिए यहाँ पे हमारा टाइप ऑफ लेजर बता रहा है, तो हमें हमारा जो इनवॉइस है उसे हमें राउंड अप करना है, तो इनवॉइस राउंडिंग को ही हम सिलेक्ट करेंगे। ध्यान में रखो राउंड अप लेजर कैसे क्रिएट होगा। एंटर करने के बाद अभी राउंड अप मेथड को नॉर्मल ही रखेंगे। नॉर्मल रखने के बाद राउंडिंग लिमिट एक ही रखेंगे, 1 ही रखेंगे। उसके बाद एंटर करने के बाद बैंकिंग डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं भरने की जरूरत। एंटर करेंगे तो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर हमें पूछ रहा है अभी जो राउंड ऑफ का लेजर आप क्रिएट कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन करेक्ट है क्या, तो एक बार देख लेते हैं। उसका नाम है राउंड ऑफ, अंडर ग्रुप है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टाइप ऑफ लेजर है इनवॉइस राउंडिंग, राउंडिंग मेथड है नॉर्मल राउंडिंग, राउंडिंग लिमिट है 1, बाकी यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन ना भरते हुए लास्ट में हम इसे सेव करेंगे, एंटर करेंगे। तो देखिए फिर बैक स्पेस करके मैं पीछे आता हूँ और देखिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में हमारा राउंड ऑफ का लेजर क्रिएट हो गया है। आगे जाके हमारे जितने भी बिल के हम एंट्री करेंगे तो फिर से हमें एच जी एस टी का, सी जी एस टी का और राउंड ऑफ का और परचेज जी एस टी का लेजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं, उसे खाली सिलेक्ट करके हम हमारा काम को आगे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे राउंड अप को मैं सिलेक्ट करके एंटर करूँगा तो देखिए टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ने खुद ने -26 पैसे काउंट किए, हमें भी वो करने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ देखिए हमारी बिल की अमाउंट आ गई 1,02,109 रुपये, जो हमारे बिल में 1,02,109 रुपये की वही अमाउंट हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में हमारे परचेस वाउचर में आ गई है। यानी ये बिल की एंट्री हमें सेव करने के लिए हम डायरेक्ट कंट्रोल ए से भी सेव कर सकते हैं और एंटर 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 प्रेस करके एक्सेप्ट में आने के बाद एंटर करेंगे तो भी सेव कर सकते हैं।
मैं एक बात बता देता हूँ, अगर 50,000 के ऊपर हम किसी पार्टी से हमारे स्टॉक को, माल को सप्लाई यानी परचेज करेंगे, तो हमें ई वे बिल डिटेल देना जरूरी रहता है। ये मैं बता देता हूँ, यानी उसका डिटेल हमें देना जरूरी पड़ता है। पर यहाँ पे ई वे बिल डिटेल की एंट्री क्या होती है, तो बाद में हम जब एडवांस लेवल में काम करेंगे, एडवांस टू स्मार्ट में, तब मैं बता दूंगा। अभी ये समझने की ज़रूरत नहीं। चलो अभी मैं कंट्रोल ए से भी सेव करूंगा, तो कंट्रोल ए से सेव करने से पहले मैं एंटर एंटर करके सेव करता हूँ। एंटर एंटर, देखिए एंटर एंटर एंटर, ये देखिए ई वे बिल की विंडो ओपन हो गई। इसमें सभी इंफॉर्मेशन हमें देना जरूरी है, क्योंकि ये बिल की जो जो बिल है, ये बिल 1 लाख के ऊपर है, उसमें सब इंफॉर्मेशन डिटेल में देनी जरूरी रहती है कि आप 50,000 के ऊपर अगर माल परचेस करेंगे तो उसका डिटेल इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देना जरूरी रहता है। इसलिए ये विंडो बनाई गई है और टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में पहले से ही सेव है। चलो एंटर करके आगे जाएंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे, तो देखिए अभी यहाँ पे आ गया है एक्सेप्ट, ये और नो, ये विंडो को, ये जो एंट्री उसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए मैं एंटर करता हूँ, और एंटर करने के बाद हमारी एंट्री सेव हो गई है। उसे देखने के लिए हमें एस्केप बटन प्रेस करके हमारे गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद, यहाँ पे देखिए रिपोर्ट्स में आने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पे परचेस अकाउंट में आने के बाद, फिर मैं एंटर करने के बाद देखिए यहाँ परचेस जीएसटी की एंट्री हो गई है, और परचेस एग्जाम की एंट्री हमने प्रैक्टिस में पहले ही की है। अभी परचेस जीएसटी की एंट्री को मैं एंटर करने के बाद यहाँ पे जून समरी में, जून महीने में हमने एंट्री की थी, उसे भी एंटर करने के बाद यहाँ पे हमें पर्टिकुलर में 1 जून जे गोविंद एंड सन्स परचेस वाउचर, वाउचर नंबर और उसकी अमाउंट यहाँ पे डेबिट अमाउंट यहाँ पे शो हो रहे, उसे एंटर करने के बाद देखिए हमने जहाँ जो बिल अभी जो हमने किया उसकी एंट्री वो फिर से ओपन हो गई, यानी हमारी एंट्री सेव हो गई है। फिर से मैं कंट्रोल ए सी से सेव कर देता हूँ, कंट्रोल ए सेव सेव हो गई। देखिए इस पद्धति से हमारी जो पीडीएफ फाइल है, ये पीडीएफ फाइल में मैंने अभी अभी एक बिल की इनवॉइस की तो एंट्री हो गई, और 7 बिल की हमें एंट्री करनी है। तो आगे के वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे, आप भी आपके टेलीप्रेंट सॉफ्टवेयर में आपको भी एंट्री करनी है, तो आगे आगे की वीडियो में हम देखेंगे जीएसटी की शर्मा ट्रेडिंग कंपनी की एंट्री हमें करनी है, बाबू भाई ईश्वर भाई पटेल, उसके बाद हीराचंद गोटीराम ट्रेडर्स, ये सभी बिल जो है हमें सप्लाई से इश्यू है, उनकी एंट्री हमें करनी है, आपको भी करनी है और मेरी मुझे भी करनी है। और बाद में हमारा ईयरली जो टोटल आएंगे जीएसटी परचेस की, वो भी टैली होनी जरूरी है। तो होगी, अगर हम भी प्रैक्टिस, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा और आप भी कर रहे, तो कन्फर्म रहेगा, कन्फर्म यानी हमें ये रहेगा, हमने ऑनेस्टली काम किया तो हमें वो एंट्री हमारी टोटल टैली ही होगी। थैंक यू वेरी मच, फिर से मिलेंगे आगे की वीडियो में।